खबर रीवा से है, जहां मासिक कैंसर सर्जरी सेवाओं का विस्तार करते हुए रीवा के नेशनल हॉस्पिटल में हर पखवाड़े में कैंसर सर्जरी की व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। इसके अंतर्गत बीते रविवार भोपाल के कैंसर सर्जन डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला ने अपनी टीम के साथ यहां 5 ऑपरेशन किए। एक मरीज को टाटा कैंसर हॉस्पिटल में थायराइड कैंसर के ऑपरेशन के लिए 4 माह बाद की तारीख मिली थी। उनका ऑपरेशन हुआ, जिसमें सरकारी अनुदान से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिली। इसके अलावा बच्चेदानी के कैंसर, अंडाशय, ओवेरियन कैंसर, स्तन कैंसर और चमक कैंसर के मरीजों का भी ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि कई बार बीमारी बड़ी होने की वजह से यदि बीमारी ना भी निकाली जा सके, पर पैलिएटिव ट्रीटमेंट के द्वारा मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारी जा सकती है। जैसा कि स्टमक कैंसर वाली मरीज की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वो कुछ खा पी नहीं पा रही थी और उनकी बीमारी निकलने की स्थिति में भी नहीं थी, पर उनका बाईपास करके खाने का रास्ता बना दिया गया, जिससे उनके शरीर की स्थिति बेहतर हो जाएगी और वो कीमो के लायक हो पाएंगी और कीमो से बीमारी कम होने पर ऑपरेशन भी संभव हो पाएगा। नेशनल हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं सर्जन डॉक्टर अखिलेश पटेल ने बताया कि समझना जरूरी है कि कैंसर का ट्रीटमेंट एक जटिल साइंस है। इसमें बहुआयामी इलाज होता है एवं उसकी सुचारू प्लानिंग की आवश्यकता होती है। उसी के तहत पूर्ण इलाज लेने पर कैंसर के सफल इलाज मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।